अब मैं राज तीनों लोकों पर और बनाऊंगा उस बवंडर परी को अपना गुलाम। हे जादुई दन, ले जा मुझे वहां, हे मेरी सही जगह जा। तुझे ले चल मुझे मेरी सही जगह, लेकिन ले आया तू मुझे यहाँ इस कूड़ेदान में। अरे बेवकूफ जादुई दंड, सही जगह से था मेरा मतलब मेरा भयानक लोक, लेकिन लेकिन है तो तू समझता मेरे को पूरा ना। बात नहीं, जब आ जाएगा मेरे सर पे राजा का ताज, तब तू भी मानेगा मुझे अपना राजा। हे जादूगर, दे दे मेरे सर पे एक ताज, हो जो गोल गोल, हो जो नुकीला। नहीं सुधरेगा तू, नहीं सुधरेगा तू, सबकी सुनता है तू लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनता। करूं क्या, करूं क्या कि तू बन जाए मेरा गुलाम। इतनी बड़ी इतिहास की किताब, इसमें से वो एक उपाय ढूंढना बहुत मुश्किल होगा बालपरी। हाँ कालपरी, ये काम मुश्किल तो है लेकिन फिर भी हमें करना ही होगा। आपने बिल्कुल सही कहा बालपरी, इस इतिहास की किताब के एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ के वो उपाय ढूंढना ही होगा। हमें कुछ भी कर इन परियों को वो उपाय हासिल करने से रोकना होगा। पर कैसे नाराज, हमारे पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं, और अगर किसी को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम भवंडर परी ही करेगी। चलो पालविया कभी भी आ सकता है, क्या करे। चिल 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 चिल, मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। पालविया आएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा और हमारी जादुई छड़ी हमसे छीन कर ही रहेगा। बॉस, वो जादुई छड़ी आपसे छीनेगा।
और हाँ बॉस, वो हमें नहीं आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस बार आपने ना शैतानी की हद पूरी पार कर दी है। ए, चांद पे जाने का आइडिया तेरा था ना रोहित, अब भाने दे बालवीर को, मैं तेरा ही नाम बोलूंगा और ये भी बोलूंगा कि सजा के तौर पे तुझे चांद पे ही छोड़ के आए। वेरी गुड बॉस, प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा आइडिया था ठीक है, मेरा आइडिया था, लेकिन उसमें से आधा आइडिया केवल का भी था, तो बस उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना। सही कह रहा है तू रोहित, आधा हिस्सा तो केवल का भी था ना, तो इसे भी सजा मिलेगी। मैं बच गया। बस चांद तक जाने का आइडिया हमारा था, लेकिन चांद को नीचे लाने का आइडिया तो आपका था ना। हाँ बस, तो सजा तो सिर्फ आपको ही मिलेगी। बच गए। फोन बज रहा है मेरा, सॉरी। और हाँ, एक दूसरे पे नाम डालने से क्या फायदा, हमें काम करते, ये इल्जाम किसी और पे डाल देते। नालायक, शरारती, लड़ाकू, कमजोर। क्या कहा? मेरा मतलब है बॉस कि हमारे स्कूल में ऐसा बच्चा आपके सिवाय और कौन है इस पर हमेशा इल्जाम डाल पाते। बॉस अब क्या करे, बालवीर तो यहाँ पहुँचता ही होगा। बॉस, आपका फोन। मेरा, हाँ पता है मुझे। बॉस अब अपना फोन बंद क्यों नहीं कर देते? अरे नहीं कर सकता, पापा बार बार कॉल करते रहते हैं। अरे तो बॉस अपना फोन ना साइलेंट पे डाल दो या फिर कॉल डाइवर्ट कर दो। हाँ फोन बजेगा आपका, लेकिन उसे उठाएगा कोई और। वाह केवल वाह, क्या सुपर आइडिया दिया डाइवर्टिंग का। इतना भी अच्छा आइडिया नहीं था बॉस। अच्छा है, मैं डाइवर्ट तो जरूर करूंगा, लेकिन फोन नहीं, बालवीर का जादू डाइवर्ट करूंगा। क्या? हाँ, बालवीर मेरे ऊपर जो भी जादू करेगा मैं उसे मेहर के ऊपर डाइवर्ट कर दूंगा। इसका मतलब अगर बालवीर जी अगर आपको चूहा, गधा, घोड़ा बनाना चाहे तो आप नहीं बनोगे, मेहर बनेगी। हाँ। अरे वाह बॉस वाह। अब बाएगा मुझे, मैं मेरी जादुई छड़ी से ये जादू मेहर के ऊपर डाइवर्ट करूंगा। जब से जादुई छड़ी मेरे पास आई है ना, मेरी लाइफ सेट हो गई है। बॉस आपकी लाइफ सेट हुई थी, अब अपसेट होने वाली है, क्योंकि बॉस आपके हाथ में छड़ी तो है लेकिन जादू ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे हो सकता है बॉस? लगता है बालवीर जी ने इसे मामूली छड़ी बना दिया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब हम बालवीर से डर के भाग रहे थे ना, तब मैं बच्चे से टकराया था और वही मेरी छड़ी गिर गई थी, और भागने की जल्दबाजी में मेरे हाथ में मामूली लकड़ी आ गई। एक काम करते, चलो वापस चलते, बालवीर के हाथ में वो जादुई छड़ी आने से पहले हम वो छड़ी वापस लाते। चलो चलो जल्दी चलो। पता नहीं वो बेवकूफ तौबा भयंकर परी का दंड पा सकेगा या नहीं। खुश रहो पवंड परी, खुश रहो। खुश रहो, ये तुम्हारा परीलोक नहीं है, बवंडर लोक है, इसलिए खुश रहो, अपने परीलोक में कहना। अरे बवंडर परी, हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहो, तभी तो हम आपको खुश रहो कह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आए। बवंडर तो यहाँ है, फिर कौन सा तूफान आया है परीलोक में? बवंडर परी, तूफान तो आपके जीवन में आएगा, उसके बाद जो परीलोक में होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? पहले आप बताइए, क्या आपको भयंकर परी का वो जादुई दंड मिला? अगर वो दंड मुझे मिल गया होता तो अब तक परीलोक और पृथ्वीलोक में तूफान की आंधी छाई होती। तौबा तौबा से वो दंड कहाँ है सिर्फ ये पता चला है।
लेकिन वो दंड किसके पास है ये तौबा तौबा को अभी पता लगाना बाकी है। बवंडर परी, जो भी पता लगाना है जल्द से जल्द लगाना, क्योंकि अगर जल्द से जल्द जादुई दंड हासिल नहीं किया तो आपकी परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। जो कहना है साफ साफ कहो। भवंडा परी, अब तक तो आप सिर्फ बालवीर की शक्तियों का मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब परी लोक की सारी परियां रानी परी को उनके पुराने स्वरूप में लाने का उपाय उस इतिहास की किताब में ढूंढ रही हैं। क्या? हाँ भवंडा परी, और अगर रानी परी अपने शक्तिशाली स्वरूप में वापस आ गई तो आपके दो दो शक्तिशाली दुश्मन होंगे और उनका मुकाबला करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानी परी ने मुझे हजारों सालों तक कैद में रखा है तो मैं उन्हें इतनी जल्दी मूर्ति रूप से आजाद नहीं होने दूंगी। लेकिन बवंडर परी, ये आप करेंगी कैसे? आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि परियां किसी भी वक्त उस इतिहास की किताब से वो उपाय ढूंढ सकती हैं। मेरे पास एक उपाय है। ऐसा क्या उपाय है आपके पास? बवंडर परी हूं मैं, तूफानों की रानी और आंधियों की कहानी हूं मैं। ये क्या है? ये है खतरनाक दीमक। इन्हें जिस पर भी छोड़ दो वो चीज पल भर में ढेर हो जाती है। ये देखो। किताब पर छोड़ देना, बस इस चट्टान की तरह वो किताब भी रेत का ढेर बन जाएगी और साथ ही ढेर हो जाएगा परियों का रानी परी को पुनर्स्वरूप देने का सपना। लेकिन बवंडर परी, अगर इस दीमक से परियों ने हमारे बारे में पता लगा लिया तो कभी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये दीमक भी मेरी तरह खतरनाक है। ये खत्म कर देती है और निशान भी नहीं छोड़ती। ये कहां से आई है और क्या है किसी को पता नहीं चलेगा। गया वो लड़का, कहाँ गया? बॉस, अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी ना आपके पीछे पीछे घूमते। बेवकूफ, कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया? लुइसे, बॉस मिल गई। केवल मैंने लड़के को ढूंढने कहा था, लड़की को नहीं। अरे बॉस, मैं छड़ी की बात कर रहा हूँ। ये देखो बॉस। वाह, जादू छड़ी मिल गई। लगता है वो बच्चा मुझसे डर कर यहाँ छड़ी छोड़ गया होगा। चलो यहाँ से निकलते। नहीं बॉस, मैं छुपना होगा। ए,
मैं छुपने की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना मैं क्या जादू करने वाला हूँ? मालवीर मेरे ऊपर जो भी जादू करेगा वो जादू महल के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। अब चलो। आज अनजाने में ही सही, लेकिन मोंटू के इस शैतानी ने पूरे पृथ्वीलोक को खतरे में डाल दिया था। इससे पहले कि मोंटू भयंकर परी के जादुई दंड से कोई और शैतानी करे, मुझे उससे वो दंड लेना होगा और उसे उसकी गलतियों की सजा देनी होगी, ताकि वो आगे से ऐसे कोई खतरनाक और बुरे काम ना करे। अब देखो मैं कैसे बालवीर का जादू महल की तरफ मोड़ देता हूँ। लेकिन बॉस, इससे तो सिर्फ आप बचोगे, हमारा क्या? हाँ बॉस, हमारे लिए भी कुछ करो बॉस। चुप, बालवीर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बड़े लोग सिर्फ बड़े लोगों को सजा देते हैं। चुप, बड़े लोग सिर्फ बड़े लोगों से टक्कर लेते हैं। और तुम दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना कि जादू तो मैं कर रहा हूँ तो सजा मुझे मिलेगी, तो फिर तुम्हें क्या बचने की जरूरत है? एक जादुई छड़ी, बालवीर या और कोई भी मेरे ऊपर जो भी जादू करे, उस जादू का असर मेरी जगह महल पे हो। अरे बालवीर चांद को उसकी सही जगह पे पहुंचा के कहां चला गया? मस्ती मजाक मैं भी करूंगा, शरारत भी करूंगा, लेकिन उसकी सजा महर को मिलेगी। अब चाहे बालवीर मुझे जो भी सजा दे, लेकिन उसका असर उसकी चहेती महल पे ही होगा। बंदर, भालू, मुर्गी, मतलब ऐसा सब आपको नहीं, उस महर को बनना पड़ेगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मोंटू, बस बड़े लोग आ गए। बात करो बस, बात करो। बालवीर जी आप? हाँ मैं तुमसे वो जादुई दंड लेने आया हूँ और तुम्हें तुम्हारी हर शैतानियों की सजा देने के लिए आया। दे दो जितनी सजा देनी है, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं होगा। ऊपर से तुम्हें डरा हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में तुम डरोगे जब मेरे बदले सजा तुम्हारी चहेती महर को मिलेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.